रायपुर में हमारे राज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर आदिवासी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम ने कहा कि हमारे राज पार्टी का भारत निर्वाचन आयोग में पंजीयन हो गया है। इसके साथ ही पार्टी 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। 20 साल से 23 सूत्री मांग को लेकर भी हमने आंदोलन किया है, लेकिन सरकार ने एक भी मांग को पूरा नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि पेशा कानून को लेकर भी लचर कर दिया गया है, इसीलिए समाज को राजनीति में उतारना पड़ा है। सामाजिक आंदोलन का राजनीति में अलग ही करंट होता है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हो, इसीलिए हमको ये चुनावी राजनीति में समाज को झोंकना पड़ रहा है। हम समाज को, सामाजिक आंदोलन को राजनीति के मैदान में उतार रहे हैं। हम राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी संविधान की रक्षा, अपनी अस्तित्व की लड़ाई और अपनी संवैधानिक अधिकारों की, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बाकी के लड़ाई दूसरे पार्टी की, और ये हमारे राज पार्टी के जो लड़ाई में बुनियादी फर्क यही है। इसीलिए हमने किसी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया। हालांकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत आया, आप पार्टी का हो, BSP का हो, ये सबका प्रेशर आया कि गठबंधन कर लें, पर हमने पहले से तय कर लिया था कि गठबंधन भर नहीं करेंगे, कि हमारी जो सोच है या विचारधारा है या आंदोलन के आधार पर है वो मिक्स डाइल्यूट हो जाएगा, और अपनी अस्तित्व की रक्षा और अपनी पहचान को वो बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि पहली बार हम उतर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा संभल के और धीरे धीरे चलना चाहते हैं, ताकि हम अपनी समाज को विश्वास में ले सकें। अगर राजनीतिक रूप से आप डाइल्यूट कर लें तो समाज में थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है, इससे बचना चाहते हैं।